एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होने जा रहा है। आपको बता दें कि एशिया कप से पहले बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके कप्तान तमीम इकबाल ने वनडे से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में तमीम इकबाल ने सभी को हैरान करते हुए अपने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना की दखलंदाजी के चलते उन्होंने अगले ही दिन अपने संन्यास को वापस लेते हुए बांग्लादेश की क्रिकेट में फिर से वापसी करने का फैसला किया। ये उन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेली जा रही वनडे श्रृंखला के दौरान किया था, लेकिन अब उन्होंने बांग्लादेश की वनडे क्रिकेट टीम से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। तमीम इकबाल ने कप्तानी छोड़ने के पीछे की वजह चोट बताई है। इस पर उन्होंने कहा, चोट का मसला है, मैंने बोर्ड को इसके बारे में बता दिया है, मैंने हमेशा टीम को एक रखा है, उसे ध्यान में रखते हुए कप्तानी छोड़ना ही सर्वश्रेष्ठ फैसला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने तमीम इकबाल की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तमीम इकबाल ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक खिलाड़ी की तरह अपनी टीम के लिए अच्छा करते रहेंगे। बता दें कि एशिया कप में बांग्लादेश का कप्तान कौन होगा, इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने इस बारे में जानकारी अपने देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी दे दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शेख हसीना भी उनकी बात को स्वीकार कर चुकी हैं। तमीम इकबाल की बात करें तो उन्होंने वनडे क्रिकेट से लेकर टेस्ट T20 सभी में बांग्लादेश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बतौर कप्तान उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि इस साल उन्हें सिर्फ एशिया कप ही नहीं बल्कि विश्व कप में भी बांग्लादेश का नेतृत्व करना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पर इसका क्या असर पड़ता है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।